हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं 6 लाइन के बारे में एक नया अपडेट आया हुआ है। हम लोग के घर तरफ का ही अपडेट है, तो आप लोग पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में क्या कुछ आया हुआ है अपडेट। ये जो है हाल ही में आया हुआ था, आप लोग को नहीं दे पाए अभी जो हम ला रहे हैं इस वीडियो को, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो गाइस चलिए इस न्यूज़ को हम आप लोगों को पढ़ के सुनाते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है इस न्यूज़ में। ये न्यूज़ जो है बोकारो से आया हुआ है न्यूज़ है, ठीक है। यानी बोकारो के आसपास में जितना भी ज़मीन जा रहा है 6 लाइन में, उसी से रिलेटेड होगा ये वीडियो, तो आप लोग बने रहिए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हेडलाइन को पढ़ते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद पूरा डिटेल में बताएंगे आप लोगों को क्या कुछ लिखा हुआ है इस न्यूज़ में। तो इसमें हेडलाइन में लिखा हुआ है, मॉनसून से पहले NHAI को अधिग्रहित भूमि का स्वामित्व देने का लक्ष्य। यहाँ पर जो है बताया गया है NHAI को अधिग्रहित भूमि का, यानी अधिग्रहित भूमि का यानी जो रोड बन रही है उसमें जो है जितना भी भूमि आ रही है, जितना भी जगह ले रही है सरकार, उसका जो है स्वामित्व देने का लक्ष्य रखा गया है। यानी स्वामित्व का मतलब होता है किसानों को जो है ज़मीन का पैसा जो है दे करके वह ज़मीन जो है अपने नाम पर करवा लेंगे, यानी सरकार जो है ले लेगी वो ज़मीन और उस पर जो है कार्य शुरू करेगी, ठीक है। तो चलिए आगे न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। इस न्यूज़ में क्या कुछ लिखा हुआ है पूरा आप लोगों को जानकारी देंगे। तो इस पर लिखा हुआ है इस न्यूज़ में, भारतमाला फेज 2 वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत बोकारो जिले के जरीडी, कसमार, पेटरवार व गोमिया अंचल के 30 गाँव आ रहे हैं। इसमें 1487 लोगों की भूमि एक्सप्रेसवे की जद में आ रही है। यह जानकारी जिला भू अर्जन पदाधिकारी द्वारिका बैठक में शनिवार को दी है। उन्होंने बताया कि मॉनसून से पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI को अधिग्रहित भूमि का स्वामित्व देने का लक्ष्य रखा गया है ताकि तय समय पर सड़क निर्माण कार्य हो सके। अभी तक करीब 50% यानी 740 पंचायतों को उनकी भूमि के मुआवजे का भुगतान हो गया है। करीब 20% यानी 300 पंचायती का स्वामित्व व अन्य विवादों के कारण मामला न्यायालय भेजा जाएगा। वहीं 30% यानी 447 पंचायती के बीच मुआवजा भुगतान के लिए जिला भू अर्जन कार्यालय ने अंचलवार कैंप कोर्ट लगाकर भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हाँ, तो गाइस इस न्यूज़ में बस इतना ही था, छोटा सा अपडेट था। आप लोगों का बहुत सारे लोगों का जो है कन्फ्यूजन भी दूर हो गया होगा। हम लोग तरफ जो है पैसा आना शुरू हो गया है, जैसे कि आप लोग नोटिस में देखें कितना फीसदी जो पैसा आ चुका है सभी के खातों में और कितना फीसदी जो है बचा हुआ है और कितने का जो है कोर्ट में भी पैसा जा चुका है। कोर्ट में मामला चल जाने के बाद गाइस जो है पैसा लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोर्ट से आपको लड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तो काम शुरू हो जाएगा, लेकिन आप जो है लड़ते रहिएगा और जो है चक्कर लगाते रहिएगा कोर्ट का, जल्दी पैसा वापस नहीं ले पाइएगा। इसी के चलते जो है जितना भी आप लोगों का विवाद चल रहा हो, किसी से भी विवाद हो, तो वह जो है जल्दी से जल्दी सुलटा ले ताकि जो है आप लोगों का पैसा जो है कोर्ट में ना चला जाए और आप लोग जो अपना पैसा जो है निकाल सके, ये सभी का जो है कामना होता है। और जो भी प्राधिकारी जो होते हैं भू अधिकरण वाले, उन लोग भी यही समझाते हैं कि जो है पैसा एक बार चले जाने के बाद बहुत सारा जो है लफड़ा हो जाता है, इसी चलते जो है अपना अपना पैसा बहुत जल्द से निकाल ले ताकि जो है ये दिक्कत ना हो, क्योंकि रोड तो बनना ही है, उसमें कोई दो मत नहीं है कि रोड जो है रुक जाएगा, ठीक है, रोड बनने ही वाला है। आप लोग अपना राय दे सकते हैं कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, और आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो अपना कॉमेंट करके बता सकते हैं। जितना हो सके हम अपने तरफ से आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को जो है इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को कुछ इससे समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, जय झारखंड।